हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे करें। सो आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल दूंगा और आप आसानी से अपना अकाउंट परमानेंट डिलीट कर सकते हो। सो देरी न करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर। तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। सो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ये। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर। अब आपको करना क्या है, देखिए नीचे आपको पाँचवें नंबर पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। सो प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और अब आपको ऊपर थ्री लाइंस दिख रही होगी। सो थ्री लाइंस पे क्लिक कीजिए एक बार और अब आप सबसे नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब सेटिंग में जाना है, क्लिक कर दीजिए उस पर और अब आपको जाना है इसमें हेल्प में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जाना है हेल्प में और फिर हम चले जाएंगे हेल्प में। फिर हेल्प में आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको जाना है हेल्प सेटिंग में, हेल्प सेंटर में। सो हेल्प सेंटर में क्लिक करेंगे और क्रोम पे क्लिक कर देंगे। सो ये क्रोम पे ओपन हो जाएगा अपने आप ही और ये लोडिंग ले रहा है अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये वेबसाइट खुल गई है। इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ कन्वर्ट ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिए पहले, अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो तो। इसे इंग्लिश में करो। तो ये इंग्लिश में हो गया। देखिए अब आपको जाना है, देखिए मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करना है। ये ध्यान से देखिए, ये मेन स्टेप है। इस पे जाने के बाद आप डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए एक बार। सो डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे राइट साइड में थ्री ऑप्शन दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है, चलो अब देख सकते हैं आप, इसमें आपको थ्री ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको अभी टेम्परेरी डिलीट करना है अकाउंट, मीन्स अभी कुछ समय के लिए बस। और सेकंड वाले का ऑप्शन ये है कि आपको परमानेंट डिलीट करना है। सो परमानेंट वाले पर क्लिक करेंगे और अब आपको सबसे नीचे यहाँ दिखेगा डिलीट योर अकाउंट, इस पर ब्लू कलर का दिखेगा, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। सो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है, क्लिक कर देना है उस पर और फिर ये ऑटोमेटिक कुछ खुलेगा। ये आपका लॉगिन सेक्शन ओपन हो चुका है। अब आपको अपने उसी अकाउंट से लॉगिन करना है जिस अकाउंट को आपको परमानेंट डिलीट करना है, परमानेंट। सो मैं अपना अकाउंट इसमें मेंशन कर देता हूँ, इसमें टेक्नोलॉजी वाले को करूँगा मैं पॉइंट ये, और इसमें अपना पासवर्ड भर दीजिए और फिर कंटिन्यू विद फेसबुक। देखिए ये मैंने भर दिया, अब लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका ये अकाउंट ऐसे खुलेगा और नॉट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब नोट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको नीचे दिख रहा होगा सिलेक्ट वाला ऑप्शन, इस पर सिलेक्ट कीजिए आप और इस पर लिख दीजिए अपना रीजन, जो आपका रीजन है इसको परमानेंट डिलीट करने का। सो मैं सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आप इसमें, अब आपको इसमें पासवर्ड डालना है दोबारा से। कन्फर्म करने के लिए एक पासवर्ड डालना है आपको एक बार और फिर आपको नीचे एक रेड बटन दिखेगा, रेड कलर का बटन। सो इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके कि मेरा अकाउंट डिलीट हुआ या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। सो मैं आ गया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर और अब मैं प्रोफाइल में जा रहा हूँ। ये देखिए एरर शो कर गया, अब ये डिलीट हो गया। देख सकते हैं आप, मेरा दो ही अकाउंट बचा है, तीन अकाउंट थे मेरे, अब दो ही बचे हैं बस। सो इससे आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाए तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि
मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।